हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, बेस्ट क्वेश्चनों का सीरीज लेके मैं आ गई हूँ आपके समक्ष। आज 24 क्वेश्चनों का सीरीज है और यह खेल प्रशिक्षण से रिलेटेड क्वेश्चंस है, 24 के 24। आप इसमें से देखिए आपने इसमें कितना स्कोर कर पाया। दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे UPTGT PGT हो, UPLT ग्रेड हो, चाहे MP TET हो, MP सुपर टेट हो, चाहे अदर स्टेट के TGT PGT हो, KVS NVS हो, सभी से रिलेटेड मेरे चैनल पे टॉपिक वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग थ्योरी सेशन, चैप्टर वाइज MCQs, वन लाइनर क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर MCQs क्वेश्चंस, सभी चीजों को प्रैक्टिस कराया गया है एंड डेली बेसिस से मैं आपको प्रैक्टिस करा ही रही हूँ। तो दोस्तों, बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए सभी प्रकार की चीजों को पढ़ने के लिए, और डेली बेसिस पे आप मेहनत करते रहिए। बूंद बूंद से तालाब भरता है, एक ही बार में नहीं भरता है। तो कोई भी चीज धीरे धीरे होगा, डायरेक्ट नहीं हो जाएगा। आपको सीढ़ी चढ़ना है, सौवे अंतिम सीढ़ी पर चढ़ना है, तो एक एक सीढ़ी को स्टेप बाय स्टेप पार करके ही पहुंचेंगे। यदि छलांग लगाएंगे तो बीच में गिर जाएंगे। तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए। पेपर का डेट आने पर आप तैयारी करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा कंपटीशन है कि सभी तैयार करके बैठे हुए हैं। तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, माइक्रो चक्र का दूसरा नाम क्या है? तो माइक्रो चक्र का दूसरा नाम है साप्ताहिक प्रशिक्षण चक्र। इसको सूक्ष्म अवधि चक्र या साप्ताहिक योजना भी बोलते हैं। यह 3 से 10 दिन यानी 1 सप्ताह का होता है, सबसे छोटा चक्र होता है। जैसा कि दोस्तों प्रशिक्षण चक्र यानी ट्रेनिंग साइकिल जो है 3 भागों में बांटा गया है, मैक्रो चक्र, मीजो चक्र एंड माइक्रो चक्र। तो मैक्रो चक्र को ट्रेनिंग योजना या वार्षिक प्रशिक्षण चक्र भी बोलते हैं, जो 3 से 12 महीना यानी 1 साल का होता है। एंड दूसरा होता है मीजो चक्र यानी मीजो साइकिल, जिसको मासिक ट्रेनिंग चक्र या अवस्थन चक्र भी बोलते हैं। यह 3 से 6 सप्ताह यानी 1 से 1.5 माह का यानी 30 से 45 दिन का होता है। और तीसरा होता है माइक्रो चक्र, जिसे सूक्ष्म अवधि चक्र या साप्ताहिक योजना कहते हैं। सबसे छोटा चक्र होता है, 3 से 10 दिन का होता है यानी 1 सप्ताह का होता है, इसलिए इसको साप्ताहिक चक्र भी कहते हैं। नेक्स्ट है, अल्पकालीन प्रशिक्षण योजना किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? सबसे सूक्ष्म चक्र माइक्रो चक्र को। नेक्स्ट दोस्तों, माइक्रो चक्र योजना किस सन में स्थापित की गई थी? तो आई डोंट नो दोस्तों, क्योंकि इसके बारे में कहीं भी दिया नहीं गया है कब स्थापित किया गया था माइक्रो चक्र। तो यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, आप इसका आंसर ढूंढिएगा। नेक्स्ट है कि खेल प्रशिक्षण का लक्ष्य अच्छे परिणाम प्राप्त करना होता है, अच्छा प्रदर्शन दिखाना होता है। यह कथन कौन से सिद्धांत को प्रकट करता है? तो दोस्तों, यह कथन जो है परिणाम प्राप्ति का सिद्धांत को प्रकट करता है। जैसे खेल प्रशिक्षण के सिद्धांत वाले वीडियोस को आप देख लीजिए, खेल प्रशिक्षण के सभी सिद्धांतों को मैंने उसमें आपको बताया है थ्योरी सेशन में। तो खेल प्रशिक्षण के कई सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग के अंतर्गत वार्मिंग अप एंड कूलिंग डाउन का सिद्धांत एंड कॉन्टिन्यूटी यानी निरंतरता का सिद्धांत, ओवरलोड का सिद्धांत यानी अतिभार का सिद्धांत एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कि व्यक्तिगत भेद का सिद्धांत एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन यानी सक्रिय सहभागिता का सिद्धांत एंड
सामान्य और विशिष्ट तैयारी का सिद्धांत यानी जनरल एंड स्पेसिफिक प्रिपरेशन एंड विशिष्टता का सिद्धांत एंड आराम तथा पुनः शक्ति प्राप्ति का सिद्धांत यानी रेस्ट एंड रिकवर का सिद्धांत, चक्रीयता का सिद्धांत एंड विविधता का सिद्धांत, प्रगतिक्रम का सिद्धांत यानी लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन एंड परिणाम प्राप्ति सुनिश्चित करने का सिद्धांत, इंजीनियरिंग रिजल्ट्स का सिद्धांत एंड योजनाबद्ध एवं क्रमबद्ध ट्रेनिंग का सिद्धांत एंड स्पष्टता का सिद्धांत, ये सभी खेल प्रशिक्षण के सिद्धांत हैं। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, कई बार देखे होंगे चार ऑप्शन दे देता है इसमें कौन खेल प्रशिक्षण का सिद्धांत नहीं है या है ऐसे करके, तो आपको ध्यान रखना है इन सभी चीजों को। नेक्स्ट है, परिणामों को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए कुछ विशिष्ट उद्देश्य एवं सिद्धांतों को निर्धारित करना, यह कथन किस सिद्धांत का है? तो यह कथन भी है परिणाम प्राप्ति के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति एवं संवेदी तंत्रिकाओं और खेल कूद के एवं इसके विरोधी पेशियों में अंतर, पेशी संकोच का वर्णन, चल अचल संधि जैसे शब्दों से परिचित कराने वाले लेख का डिमोटू मस्क्यूटोर्म का लेखक कौन है? तो इसमें इसके लेखक हैं क्लेरियस गेलन। नेक्स्ट है, मांसपेशियों को संकुचन उनमें पशु द्रव्यों के मस्तिष्क से तंत्रिकाओं के जरिए आने से होता है, इस बात को किस वैज्ञानिक ने कहा है? तो इस बात को कहा है गैलन ने। गैलन ने ही सबसे पहले बताया था दोस्तों कि हमारे आहार का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है और एक्सरसाइज करने से क्या प्रभाव पड़ता है, इस बात को सबसे पहले गैलन ने बताया था। नेक्स्ट है, लंबे समय की गठिया में व्यायाम मालिश का सुझाव भारत के निम्न पुरातन ग्रंथ में मिलता है? तो यह आयुर्वेद में मिलता है कि लंबे समय तक गठिया हो गया तो आपको व्यायाम और मालिश का सुझाव दिया गया है आयुर्वेद में। नेक्स्ट है, निम्न चिकित्सक अपने मरीजों का इलाज भोजन और मालिश के द्वारा करने के साथ साथ चलने और दौड़ने के हल्के व्यायामों को भी करने का सुझाव देते थे? तो ये देते थे हिप्पोक्रेटस। कौन देते थे? हिप्पोक्रेटस, चिकित्सा शास्त्र के पितामह कहे जाते हैं हिप्पोक्रेटस, ये यूनान के थे। इन्होंने सबसे पहले चिकित्सा पद्धति का प्रयोग किया। नेक्स्ट है, प्राचीन समय में निम्न देशों के वैज्ञानिकों व चिकित्सकों की रुचि गति विज्ञान के विषय के प्रति थी, तो किस देश में दोस्तों? यूनान में। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में किसको गति विज्ञान का पिता स्वीकार किया गया है? तो अरस्तु को। गति विज्ञान यानी किनेसियोलॉजी के पिता कौन है? अरस्तु। नेक्स्ट, पशुओं के अंग व जानवरों की गति नामक पुस्तक किसने लिखा है दोस्तों? तो इसको लिखा है अरस्तु ने। किसने लिखा है? अरस्तु ने, पशुओं के अंग और जानवरों की गति, क्योंकि गति विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। नेक्स्ट है, निम्न चिकित्सक बीमारियों के इलाज के लिए जिम्नास्टिक को महत्व देता था? कौन ऐसा चिकित्सक था जो बीमारियों के इलाज के लिए जिम्नास्टिक को महत्व देता था? वो है हीरोडियस। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण मुख्यतः होता है? तो दोस्तों, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण
अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है, जो हमारी लंबी अस्थियां होती है उसमें बीच में खोखले भाग होते हैं, उसको हेवेसियन नाल बोलते हैं, उसमें अस्थि मज्जा होता है, उसी से लाल रक्त कणों का निर्माण होता है। दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि जो रक्त का निर्माण होता है वह भ्रूणावस्था में यकृत में होता है और वयस्क में अस्थि मज्जा में होता है, इस बात को भी याद रखिएगा। लाल रक्त कणिका का आरबीसी का प्रमुख कार्य क्या है दोस्तों? ऑक्सीजन ढोना, कि ताप नियंत्रित करना, कि रोगों से बचाव, कि रक्त का थक्का जमाना। तो आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन क्या करता है कि ऑक्सीजन को लेकर के समस्त कोशिकाओं तक पहुंचाता है, और कोशिकाओं के अंदर जाकर के माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण करता है। जो भी भोजन हम ग्रहण करते हैं वो अवशोषित होता है और जाकर के ऑक्सीजन के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है। यह किसके द्वारा होता है? ऑक्सीजन के द्वारा। आरबीसी का प्रमुख कार्य क्या है? ऑक्सीजन को ढोना। नेक्स्ट, श्वेत रक्त कणिका यानी WBC व्हाइट ब्लड सेल्स का प्रमुख कार्य क्या है? यह इम्यूनिटी पावर बना के रखता है, हमारे शरीर में रोगों से बचाव करके रखता है, संक्रमण से बचाव करता है। नेक्स्ट, छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है दोस्तों? 6.5 सेंटीमीटर यानी कि 22 फुट होता है छोटी आंत की लंबाई। और छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन व पूर्ण अवशोषण होता है। भोजन का पूर्ण पाचन व पूर्ण अवशोषण कहाँ पे होता है? छोटी आंत में। और भोजन का पाचन कहाँ पे प्रारंभ होता है? तो मुख से। नेक्स्ट, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और रेनिन नामक रस भोजन में विलय होते हैं कहाँ पे दोस्तों? तो आमाशय यानी स्टोमस यानी पेट में। जो ही हम मुख से भोजन लेते हैं, मुख में लार होता है, लार में टायरिन एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च में बदलता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। उसके बाद भोजन नल यानी आइसोफेगस के द्वारा जाता है अमाशय यानी स्टोमच में। अमाशय में जाकर के इसका मुलाकात होता है जठर रस से। भोजन का किससे मुलाकात होता है? जठर रस से। जठर रस से स्रावित होता है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसके अतिरिक्त कुछ एंजाइम होते हैं जैसे कि पेप्सिन, रेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? भोजन के साथ आए हुए जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको खत्म कर देता है और भोजन को पीस देता है, भोजन को पूरा लुगदी बना देता है, कायम बना देता है। और इसके अंदर रेनिन नामक जो रस होता है यह दूध का पाचन करता है, दूध को केसिन में बदल देता है। और इसमें क्या पाया जाता है एंजाइम में? पेप्सिन, रेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज। पेप्सिन जो होता है वह प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है एंड यानी प्रोटीन का पाचन करता है। और गैस्ट्रिक लाइपेज जो होता है वसा का पाचन करता है। फिर ये इस प्रक्रिया के द्वारा भोजन कहाँ पे जाता है? काय में लुगदी बदल बन करके छोटी आंत में डेडुनम के रास्ते जाता है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, डेडुनम, जेजुनम, इलियम। तो इन छोटी आंत, बड़ी आंत और पाचन तंत्र के बारे में विशेष जानकारी के लिए एकदम डिटेल में जानना चाहते हैं, एक बार देखने के बाद कभी भूलेंगे नहीं, तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाइए, सभी चीजों को एनाटॉमी फिजियोलॉजी के एक एक टॉपिक को अच्छे से बताया गया है, जैसा किसी ने नहीं बताया है। नेक्स्ट, पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? आप सबको पता है यकृत यानी लीवर में होता है। और इसका स्टोर कहाँ पे होता है? तो पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर में होता है। पित्तरस कार्य का क्या कार्य करता है? तो पित्तरस जो होता है वसा का पाचन करता है और वसा में घुलनशील विटामिन KEDK का भी शरीर में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। नेक्स्ट है, यकृत का भार कितना होता है? यकृत यानी लीवर का भार होता है 1.5 kg। ठीक है, नेक्स्ट, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है दोस्तों? तो 12 से 20 बार सांस लेता है, 12 से 20 बार सांस लेता है। और जब हम अभ्यास करते हैं तो 40 से 50 बार सांस लेते हैं जल्दी जल्दी। और जब हम अभ्यस्त हो जाते हैं, एक ट्रेनिंग
या प्रशिक्षित व्यक्ति एक मिनट में 8 से 10 बार सांस लेता है, क्योंकि जितनी आराम से सांस लेंगे आपकी क्षमता उतनी ही अच्छा माना जाता है। तो जो एक सिंपल व्यक्ति है वो 12 से 20 बार सांस लेता है, एंड जो प्रशिक्षित व्यक्ति है डेली एक्सरसाइज करता है, अपने को प्रशिक्षित कर लिया है, वो 8 से 10 बार सांस लेता है। अब जिस समय हम अभ्यास करते हैं उस समय 40 से 50 बार सांस हम ले लेते हैं, और हार्ट रेट हमारा जो हृदय गति हो जाता है 180 तक पहुंच जाता है। ऐसे सामान्य में हम सांस लेते हैं 12 से 20 बार और हमारा हृदय धड़कन 72 बार होता है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, मस्तिष्कीय तंत्रिकाओं के कितने जोड़े होते हैं? तो दोस्तों, जैसे कि हमारे नर्वस सिस्टम को 3 भागों में बांटा गया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, यानी सीएनएस, एएनएस, पीएनएस, एएनएस, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है, एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 43 जोड़े नाड़ियां आती हैं, जिसमें से 12 जोड़े दिमाग से कंधन नाड़ी निकलती हैं और 31 जोड़े स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल नाड़ी निकलती हैं। तो मस्तिष्क तंत्रिकाओं के कितने जोड़े होते हैं? तो 12 जोड़े होते हैं। कितने जोड़े होते हैं? तो 12 जोड़े होते हैं। नेक्स्ट है, मेरु तंत्रिकाओं के कितने जोड़े होते हैं? तो मेरु तंत्रिकाओं के 31 जोड़े होते हैं। कुल कितने जोड़े होते हैं पैरी तंत्रिका तंत्र में? 43 जोड़े। 12 जोड़े कानिथल नाड़ी यानी मस्तिष्क से निकलता है और 31 जोड़े स्पाइनल नाड़ी से यानी स्पाइनल कॉर्ड से निकलता है। नेक्स्ट, मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है दोस्तों? तो मस्तिष्क का भार जो है होता है 40 से 50 ओंस, यानी कि 1350 से 1450 ग्राम होता है। और यह मस्तिष्क जो है पूरे शरीर का 2% भाग यानी 1/50 भाग टोटल बॉडी वेट के हिसाब से होता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। क्वेश्चंस, आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, सभी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों, इसी तरह वीडियो देखने के लिए आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और मैं आपको डेली बेसिस से प्रैक्टिस करा रही हूं। जो भी कमियां होंगी आप बताइएगा, क्योंकि मेरा पूरा कोशिश है कि मैं डेली बेसिस पे एक वीडियो जरूर डालूं जिससे आपका रिवीजन होता रहे। क्योंकि जब भी मेरे को एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा मैं और सभी टॉपिक को कवर करूंगी, जो भी अभी छूटे हुए हैं, जो भी नहीं हुआ है। तो दोस्तों, आप सब इसी तरह बने रहिए मेरे चैनल पे और आप लोग असीम सफलता प्राप्त कीजिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।